फ्रेंड्स, देखिए आपके लिए आज मैं बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, चोटी वाला। इसको आप किसी में भी डालिए, अपने टोपी बनाइए या किसी स्वेटर के बॉर्डर में यूज़ करिए। बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये, बहुत प्यारा लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने 27 फंदे डाल लिए हैं, 15 का मल्टीपल करके 6 फंदे यहाँ एक्स्ट्रा, 6 इधर और 15 बीच में। तो ये 27 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब इसको कैसे बुनेंगे देखते हैं। देखिए, 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे। अब 15 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। 15 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब अपने फिर धागा आगे करेंगे और लास्ट के 6 फंदे हमें फिर उल्टे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फिर सेकंड रो पे आ गए हैं। देखिए, सेकंड रो में फिर जो जैसे दिख रहा है हमें वैसे ही बुनना है। तो जो वहाँ हमने उल्टे फंदे बिने थे, यहाँ पे सीधे हो गए। सॉरी, जो हमने वहाँ उल्टे बने थे उसको हमें उल्टा ही बुनना है। तो ये हमारी सेकंड रो है, इसको उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पूरी रो हमारी उल्टी ही निकलेगी, क्योंकि ये जो फंदे हमने वहाँ सीधे बुने थे वो भी यहाँ हमारे उल्टे हो गए। तो ये पूरी रो जो है हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। ये हमारी उल्टी रो पूरी कंप्लीट हो गई है। फिर हम अपनी थर्ड रो में आएंगे। थर्ड रो में हमें फिर वही करना है, 6 फंदे जो हमारे उल्टे थे वो उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, धागा पीछे करेंगे, 15 फंदे सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए, 15 फंदे हमारे सीधे बुन लेने हैं और फिर ये लास्ट के 6 फंदे हमें फिर उल्टे बुन लेने हैं। इसी तरीके से करके हमें 2 रो और निकालनी है अपनी। 4 रो टोटल हमें निकालनी है। तो ये हमारी थर्ड रो हो गई है। अब फोर्थ रो हमें और निकाल लेनी है, फिर बताती हूँ फिफ्थ रो में क्या करना है। ये पूरी रो हमें उल्टी बुन लेनी है, तो मैं इसको बुन के आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ फिर। ये अब हम 4 रो कंप्लीट कर चुके हैं।
अब हमारी फिफ्थ रो है, तो फिफ्थ रो में देखिए क्या करना है। पहले 6 फंदे हम वैसे ही उल्टे बना लेंगे, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए। हम धागा पीछे करेंगे। अब ये 15 फंदों को हमें बंद करना है, तो कैसे, इसको आप जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। 2 का 1 किए, वापस सिलाई में डालें, फिर 2 का 1 करें, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको पहले एक फंदा बुने फिर दूसरा बुने, अब इसको ऐसे ऐसे गिरा दिए, ये भी कर सकते हैं। आपको जैसा आसान लगे उस तरीके से इसको बना के बंद कीजिए। 15 फंदे हमें अपने बंद करने हैं। एक बुने और दूसरे फंदे को सिलाई पे से गिरा दिए। ये हमारे को इस यहाँ पे ऐसे छोटी सी चाहिए, ये बनना चाहिए हमारा। बहुत ही बनाने में आसान है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आपको बनाने को बहुत इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे इसको, बहुत अच्छा लगता है बनाने में। देखिए ये जो हमारे 15 सीधे फंदे थे वो यहाँ घटा दिए। अब एक फंदा जो हमारे पास यहाँ बचा है इसको भी हमें घटाना है, तो धागा आगे करेंगे। एक फंदा हमने उल्टा बुना और इसको इस पे से गिरा दिए, तो ये हमारे पूरे 15 फंदे बंद हो गए हैं। अब बाकी के 6 फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं इस तरीके से। अब आगे हम अपनी उल्टी साइड पे, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे। अब हम जो 6 फंदे हमारे उल्टे हैं उसको उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमें जो ये फंदे हमने घटाए हैं यहाँ पे, ये फंदे हमें दोबारा लेने हैं। तो इसको देखिए कैसे लेंगे। सिलाई को ऐसे पकड़ लेंगे, धागा ऐसे 2 बार हाथ में लेंगे और ऐसे नीचे वाले धागे में से सिलाई अंदर डालेंगे, ऊपर वाले धागे से ये फंदा उठा लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, फिर नीचे से उठाएंगे ऊपर वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे हमने वापस से उठा लिए। अब जो ये हमारे इधर के 6 फंदे हैं इसको फिर हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर हम अपने सीधी तरफ आ गए। अब फिर हमें वही करना है, यही जो 4 सिलाई हमने यहाँ बुनी थी वही 4 सिलाई हमें फिर बुनना है। इसी को हमें रिपीट करते जाना है। 4 सिलाई बुनना है, फिर 15 फंदे हम बीच के घटा देंगे, फिर हम अगली सिलाई में उल्टी सिलाई में हमें फिर फंदा 15 फंदे बढ़ाने हैं, फिर 4 सिलाई बुननी है। इसी तरीके से हम बुनते जाएंगे। तो मैं आपको बुन के दिखाती हूँ थोड़ा बड़ा करके। देखिए मैंने ये
इतना बड़ा बना लिया है, ये मैं किस में डालूँगी, किसके लिए मैं ये बना रही हूँ वो भी आपको बाद में वीडियो बना के डालूँगी, देखिएगा। ये इतना बड़ा मेरा बन गया है, आपको जितनी भी लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं 15 फंदे घटा चुकी हूँ, अब मुझे फिर से फंदे बढ़ाने, तो देखिए क्या करेंगे हम, जो अपने 6 फंदे हैं उल्टे उसको उल्टा बुन लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे 6 फंदे उल्टे हो गए। अब हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं, तो अब हम 15 फंदे नहीं बढ़ा के यहाँ पे सिर्फ 8 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे पैटर्न में हमने 15 15 फंदे घटाए थे, 15 ही बढ़ाए थे, अब हमने 15 फंदे घटाए और 8 फंदे बढ़ाए। अब बाकी के 8 हम फिर सॉरी बाकी के 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें फिर वैसे ही 4 सिलाइयाँ अपनी सीधे उल्टे के निकाल लेनी है, तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 4 रो कंप्लीट कर ली है, अब हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। अब हमें इस कोई भी फंदा नहीं चाहिए, तो सभी बंद करने हैं, तो उसके लिए वैसे ही करेंगे, एक फंदा बुना, एक फंदा उतार दिए, एक फंदा बुना, दूसरा उस पर से उतार दिए। इसी तरीके से हम ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये उतारे, इसी तरीके से सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ये सारे मैंने बंद कर लिए हैं फंदे, तो देखिए अब इसका क्या करना है बताती हूँ। इसको हम थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके इसे ऐसे लेंगे, और इसके अंदर से हमें ये वाला निकालना है, जो सेकंड वाला हमारा स्ट्रिप है उसको इसके अंदर से निकालेंगे। अब फिर इसके बीच में से उंगली डालेंगे और इसको घुमाते हुए इसे हम निकाल लेंगे इसमें से, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसके बीच में से हमें इस ये नेक्स्ट वाला निकालना है, देखिए इस तरीके। फिर इसके बीच में फिंगर डालेंगे और उसके ऊपर वाला हम फिर इसमें से निकाल लेंगे। इस तरीके से ही हमारी यहाँ पे एक चोटी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये देखिए, ये अब जो हमारे पास लास्ट वाला है उसी में हमें इसको फिक्स करना है, यहाँ जैसे ये बना है, तो लास्ट वाला हम इसमें से नहीं निकालेंगे, इसको हमें यहाँ फिक्स करना है। तो ये जो हमारा ऊपर का चौड़ा है इसके जितना ही चौड़ाई होनी चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे यहाँ पे बैंड कर देंगे इसको, और इसे यहाँ पे रख के सुई से फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा चोटी वाला डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप किसी में भी डालिए, टोपी में डालिए, मैं आपको बना के दिखाऊंगी इसमें मैंने टोपी कैसे बनाई है, किसी में भी डाल सकते हैं आप, किसी स्वेटर के बॉर्डर बना सकते हैं,
शॉल में या मफलर में किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर बन के आता है। बस यहाँ पे एक छोटा सा टाँका मार के आपको इसे फिक्स कर देना है और ये आपका जो चोटी है ये तैयार है। तो इसी तरीके से इसको बनाइए आप। ये देखिए, ये थोड़ा सा जब हम ये चोटी को जब निकालते हैं इसमें से लूप में से, तो ये थोड़ा जो सिंक हो जाता है ऐसे, ये सुकड़ जाता है थोड़ा सा। देखिए इसीलिए इसको जो हमने यहाँ पे 15 फंदे लिए थे, यहाँ पे हमने 8 ही किए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। अब देखिए इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे और ये हमारा चोटी वाला डिज़ाइन तैयार है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।